नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश के नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आज बात परमाणु तंदूर की, जो अचानक जलने लगा है। एक तरफ यूक्रेन सैलाब में बाहर जा रहा है, तो वहीं ज़ेलेंस्की रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन की सेना ने बड़ा काउंटर अटैक किया है। लेकिन रूस की मजबूत रक्षा पंक्ति के कारण ज़ेलेंस्की की सेना को करारा जवाब मिला है, और रूस ने ज़ेलेंस्की के कई टैंकों को बर्बाद कर देने का दावा भी किया है। Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. जोनस में एक रात में 250 सैनिकों के मौत की नींद सोने के बाद भी बखमूत की हार के हाहाकार के भी कखोका बांध के टूटने से जल प्रलय के बावजूद और रूस की परमाणु बम गिराने की धमकियों के वक्त ज़ेलेंस्की ने ज़ापोरिज़्या पर जबरदस्त काउंटर अटैक किया। इतना भीषण कि रात से ही मिसाइलों, बम और गोलीबारी की आवाज बचे खोचे ज़ापोरिज़्या में जलजला पैदा कर रहे हैं। भयानक जंग लड़ी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने टैंक से, तोपों से, ड्रोन से ज़ापोरिज़्या को रूस के कब्जे से मुक्त कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी है। बाढ़ के कहर से बर्बाद होते खेरसौन की तस्वीरें देख ज़ेलेंस्की के घुटने टेक देने की आशंका वाली खबरों के बीच ज़ापोरिज़्या जलने लगा है। ज़ेलेंस्की का प्लान आप सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि 20% यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने वाले पुतिन के दावों की इस वक्त हकीकत क्या है। दुनिया भर के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ज़ापोरिज़्या पर चढ़ाई का प्लान बहुत सुनियोजित है। बहुत लंबे समय से इसे तय किया जा रहा था। जब मौका आया तो ज़ेलेंस्की के जांबाज कूद पड़े हैं ज़ापोरिज़्या बचाने, उस पर कब्जा करने के लिए। ज़ापोरिज़्या फ्रंट की लड़ाई के स्क्रिप्ट में रूस के कब्जे वाले सबसे बड़े कस्बे टोकमाक और शहर मेलिटोपोल शामिल है। यूक्रेन की सेना वोक्लेडा और वोल्नोवाजा शहरों की ओर से मारियोपोल पहुंचने की कोशिश में है। मारियोपोल अजो सी के करीब सबसे बड़ा शहर है, जिसे एक साल पहले रूस ने कब्जा कर लिया था, और यही इलाका है जहां अजोवस्ताल स्टील फैक्ट्री पर कब्जा करने के लिए भीषण लड़ाई लड़ी गई। मारियोपोल पर कब्जे के साथ रूस ने अपने कब्जे वाले खेरसौन के साथ डॉनबास और क्राइमिया के बीच एक कॉरिडोर बना लिया। मारियोपोल पर कब्जे का रणनीतिक महत्व होगा और रूस के फ्रंट को दो फाड़ करने के साथ क्राइमिया को अलग थलग किया जा सकेगा। течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлении. В районе Временского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено 4 атаки противника, проводимых силами до 2 батальонных тактических групп, усиленных танками в районах населенных пунктов Левадная Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики. На запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск. ज़ेलेंस्की ने युद्ध की शुरुआत में ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था कि पुतिन के 72 घंटे में यूक्रेन विजय का सपना पूरा नहीं होने वाला। ज़ेलेंस्की पुतिन को यूक्रेन थाली में परोस कर नहीं देने वाले, और अब उदाहरण सामने है। रूस दक्षिणी यूक्रेन पर विजय प्राप्त कर अगराता रहा है कि कीव अब दूर नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की के पलटवार ने पुतिन के प्लान पर पानी फेर दिया है।
इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक यूक्रेन की सेना इस मोर्चे पर एक रात में 3 किलोमीटर आगे बढ़ी है, चूंकि ये इलाका बारूदी सुरंगों से पटा हुआ है। ऐसे में इतनी दूरी अहम कामयाबी है। बखमूत के मोर्चे पर जीत के बीच ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन के काउंटर अटैक ने क्रेमलिन को हिला दिया है। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले इसकी प्लानिंग की थी, लेकिन अब तक यूक्रेन के सैनिकों की पूरी ट्रेनिंग और पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार का इंतजार कर रहे थे। जैसे ये दोनों काम हुए, ज़ेलेंस्की अजोव सी पर झंडा लहराने के लिए पुतिन को ललकारने लगे। लेकिन कहां से मिली ज़ेलेंस्की को पलट कर मारने की ताकत? कौन है ज़ेलेंस्की के पीछे खड़ा जिसके दम पर ज़ेलेंस्की रूस पर जीत हासिल करना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का सबसे लेटेस्ट बयान। And we're advancing this goal by providing them the support Ukraine needs now on the battlefield and helping them strengthen their military over the long term. The fact of the matter is that I believe we'll have the funding necessary to support Ukraine as long as it takes. And I believe that that support will be real, even though you hear some voices today on Capitol Hill about whether or not we should continue to support Ukraine and for how long we should support them. The fact of the matter is, I asked people to picture what would happen if we were not supporting Ukraine. Do we think Russia would stop in Kyiv? Do you think that's all there would be happening? I think not, and I think the vast majority of my colleagues, even the critics, think that would not be the case as well. There's much more to say about Ukraine, but I hope that answers your direct question. ज़ेलेंस्की बाइडेन की इसी हिम्मत के बूते अब तक जंग लड़ते आ रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ज़ापोरिज़्या फ्रंट की लड़ाई पुतिन के प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ज़ापोरिज़्या फ्रंट पर ज़ेलेंस्की संयोग से भी जीत जाते हैं तो रूस की जंग में अब तक की सबसे बड़ी हार होगी। 8 महीने के बखमूत युद्ध के बाद की कामयाबी पर पानी फिर जाएगा। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जिस रूट को पकड़कर इस वक्त ज़ेलेंस्की की सेना मार्च कर रही है, उस पर पुतिन के पहरेदारों की पैनी नजर है। रूस ने इन इलाकों में जबरदस्त रक्षा पंक्ति तैनात कर रखी है। ज़ेलेंस्की की सेना को यहाँ लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, फिर कहीं जाकर निकलेगा युद्ध का अंजाम। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मेलियार ने दावा किया है, दुश्मन की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन की सेना कई दिशाओं की ओर आगे बढ़ी है। मेलियार के मुताबिक बखमूत के करीब उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में स्थित कुछ कस्बों को यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है ताकि रूसी सैनिकों को घेरा जा सके। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की फौज को इसके लिए बधाई दी थी और कहा कि इस खबर का हम कब से इंतजार कर रहे थे। ज़ेलेंस्की का ज़ापोरिज़्या काउंटर अटैक उस वक्त हुआ है जब कहा जा रहा है कि पुतिन सेना को विश्राम देने के मूड में है। रूस चाहता है कि युद्ध में कुछ दिनों के लिए विराम वाली स्थिति हो ताकि रूस को अपने सैनिकों और हथियारों को सुनियोजित तरीके से इकट्ठा करने और नई ऊर्जा जुटाने का वक्त मिल जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की युद्ध के मूड में है। यूक्रेन चाहता है कि रूस पर इतनी तेजी से और ज्यादा से ज्यादा हमले हों कि रूस को संभलने का मौका नहीं मिले। इस वक्त ज़ेलेंस्की यही कर रहे हैं। राजधानी कीव से 550 किलोमीटर दूर देश के दक्षिण में ज़ापोरिज़्या के आसपास लगातार लड़ाई चल रही है। युद्ध के तुरंत बाद ही ज़ापोरिज़्या के ज्यादातर इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया, लेकिन ज़ापोरिज़्या शहर अब भी यूक्रेन के कब्जे में है। ये हालात बताते हैं कि पुतिन के विजय के दावों के बीच भी यूक्रेन किस तरह से लड़ता आ रहा है। ज़ापोरिज़्या का भूगोल ऐसा है कि यहाँ ज़ेलेंस्की की 1% जीत भी पुतिन का विक्ट्री गणित गड़बड़ कर देगी। ज़ापोरिज़्या के न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के कब्जे से यूक्रेन को भारी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये गनीमत रही कि काखोका बांध के टूटने के बावजूद ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में वाटर सप्लाई जारी है। काखोका बांध से ही क्राइमिया और ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट को पानी पहुंचता है। इस पानी की राह में बाधा पहुंची तो न्यूक्लियर प्लांट बम की तरह किसी भी वक्त उड़ सकता है।
हालांकि रूस के कब्जे के बाद से ही कहा जा रहा है कि ज़ापोरिज़्या के परमाणु भट्टी का पारा धमाके के मुहाने पर है। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन शुरू हुआ तो सैलाब से मर रहा यूक्रेन परमाणु विकिरण यानी रेडिएशन से जल मरेगा। ज़ापोरिज़्या के खतरनाक भट्टियों में तापमान लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, जिसका आखिरी चरण होता है धमाका। धमाके के इस चेन को डिटेल में आपको आगे बताएंगे, पहले खतरा देखिए। ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट से रेडिएशन शुरू हुआ तो ये सिर्फ यूक्रेन को मौत की नींद नहीं सुलाएगा, इसका शिकार बेलारूस का आदमी भी होगा, इसका शिकार पोलैंड के लोग भी होंगे, रोमानिया भी पहुंच सकती है रेडिएशन वाली मौत, और सबसे बड़ा ये कि रूस के नागरिक भी इसकी जद में आएंगे। यानी पांच देशों में इस वक्त परमाणु रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया है। ये कहने का आधार है पेरिस के इंस्टीट्यूट फॉर रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी यानी IRSN की ताजा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कखोका डैम के टूटने से ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट को पानी सप्लाई के लिए बनाया गया कूलिंग पॉन्ड तबाह हो चुका है। इस कूलिंग यानी परमाणु भट्टी के तापमान को कम करने के लिए बनाए गए पानी के तालाब से प्लांट को पानी नहीं पहुंचा, तो किसी भी वक्त तबाही मच सकती है। आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि डैम टूटने से जिस तरह से खेरसोन में कई लाशें तैरती दिखी, ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट इलाके में रूस की हार होती है तो कहीं रेडिएशन का खतरा पैदा ना हो जाए, जो पुतिन के परमाणु बम गिराने से भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक हो सकता है। लेकिन अंजाम कुछ भी हो, ज़ेलेंस्की अब रुकते नहीं दिख रहे। ताजा यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर ड्रोन हमला किया है। ज़ेलेंस्की युद्ध में अपने से बहुत बलशाली देश से लड़ रहे हैं, इस बात का सबसे पहले ख्याल रखा जाना चाहिए। और ज़ेलेंस्की एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो रूस की ये बहुत बड़ी हार से कम कुछ भी नहीं मानी जाएगी।